तो नीचे ये फ्लोर क्यों दिया गया था? महारानी अपना भीतर से आते थे, डूढ़ी से आए, ऊपर हुए, यहाँ पूजा किए। तो उसका कहाँ निकलने का कुछ की था? वो आगे है, आगे वो बना हुआ है। तो देखिए कितनी अद्भुत कलाकृति है, इनको बता रहे हैं। हाँ, एक महल नीचे है, एक महल बड़ा। हाँ, ये है जितना है उतना नीचे है। ये जितना कंस्ट्रक्शन ये है, सेम नीचे भी कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो और वो ये देखिए, एक बहुत अद्भुत बात पता चली आज मुझे कि महारानी अंदर ही मतलब इतना सुंदर शाम तो कहीं बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। शहर में तो बहुत कम मिलता है, गांव में रोज होता है, रोज ऐसा शाम बिताने का टाइम मिलता है। गाइस, हम लोग एंजॉय करने का काम करते हैं एकदम दबा के, चाप के। अभी पहाड़ी भाई बाइक चला रहे हैं, सामने रोड, हम लोग के गांव से मात्र थोड़ा ही पास में है गाइस। तो मोटरसाइकिल से, ये NH नहीं है, गांव का अंदर ही अंदर रास्ता है। और कुछ ऐसा नज़ारा है, और गेहूं का खेत देखिए, गेहूं का खेत तो हम इससे पहले ही ब्लॉग में दिखाए हैं, काटने का टाइम आ गया है। अब बिहार में एक खुशी की बात यह है कि रोड सब अभी ठीक ठाक हालत में है, तो कुछ ऐसा बात नहीं है कि। तो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका मैं इस नए से व्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, राजनगर। राजनगर जहाँ पे एक महाविद्यालय है, कॉलेज है। और क्योंकि ये कॉलेज का एक इतिहास है कि बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो महाराज थे कामेश्वर सिंह, उन्हीं के द्वारा ये निर्मित है। और यहाँ पे एक पैलेस है जिसका नाम है नौलखा पैलेस, जहाँ पे कहते हैं कि 9 उसमें फ्लोर थे, 9 उसमें फ्लोर थे। और उसमें महारानी जी के लिए स्पेशली बनाया गया है। और जो एक बहुत बड़ा भूकंप आया था उसमें ये महल ध्वस्त हो गया है। अभी मैं जिस पार्ट में हूँ ये यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ये भी किसी टाइम में महल का ही पार्ट था। जो उस तरफ आप देख सकते हैं वो जो है वो एक खंडर में तब्दील हो गया, और ये जो पार्ट है ये यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, जहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं, ये क्लासरूम्स हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्लासरूम दिखाता हूँ, कुछ खाली हैं, कुछ में डेस्क वगैरह हैं। बाकी जो बनावट है वो आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना है। ये ऑडिटोरियम है यहाँ पे, और ये ऑडिटोरियम देखिए। और इस पूरे प्रांगण की खूबसूरती एक हमें उस पुरानी इतिहास में लेके चले जाती है, जो काफ़ी सुंदर है, अद्भुत है। अभी इसकी बनावट भी देखिए, सीढ़ियों की, और अभी तो काफ़ी कुछ बदल गया है। उस साइड वो खंडर है, और यहाँ पे ये क्लासरूम वगैरह है। उनको पता है, ये मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, हमारे मित्र हैं। और ये वो प्रांगण है जिसके बारे में बता रहा था। ऊपर एक छोटा सा गुंबद आपको दिख रहा होगा जो काफ़ी पुराना है, ये भी लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है। लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं काफ़ी घूमने, पिकनिक वगैरह। ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, लोग यहाँ पे अक्सर आके पिकनिक या शाम को, यहाँ पे एक मैदान भी है। और ये पुराना गेट जो कि काफ़ी पुराना है, और यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो एक अपने आप में कलाकृति है। अगर आप गेट की बनावट देखें तो एक रॉयल फैमिली में जैसे हुआ करती है, वैसे ही यहाँ पे है। मंदिर है, और नौलखा पैलेस इसके ठीक पीछे है, जो 9 इमारतें, 9 महल हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक अद्भुत कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हाथी, ये जो पिलर है, ये एक्चुअली में पिलर है, और ये इसका शेप जो है हाथी के
ये बिल्कुल हाथी पे टिका हुआ है और इस पे दो हाथी आगे से हैं, ये और एक हाथी यहाँ, एक हाथी वहाँ और एक हाथी वहाँ, तो टोटल चार हैं। और बहुत दुख की बात ये है कि यहाँ पे कोई सरकार कभी कोई एक्शन नहीं लिया। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये रहा कि महाराज जो उनका ट्रस्ट है, उन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी सरकार के नाम नहीं की, तो सरकार किस तरीके से यहाँ पे कुछ अपना अगर पर्यटन का भी ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू नहीं कर पाएंगे। तो जो बिहार पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने, मैंने पढ़ा था और यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि जो ये ट्रस्ट का ज़मीन है, करीब 330 एकड़ ज़मीन है ये पूरे प्रांगण का, जो महाराज के नाम है, एक भाग में सहस्त्र सीमा बल SSB को दिया गया, उनकी छावनी बनी हुई है, और ये जो भाग है ये क्षतिग्रस्त है, क्योंकि इसमें जो भूकंप आया था वो बिल्कुल इसको पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस साइड से, उस छोर से जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा एकदम बर्बाद हो चुका है। और देखें आप, ये बीच में इसमें क्रैक्स हैं, इसमें क्रैक्स बने हुए हैं। इस प्रांगण में मैंने सुना है कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, तो एक शूटिंग के दौरान बहुत सारे गाने मैंने देखे हुए थे, तो एक सिनेमैटिक व्यू जो आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये यहाँ से शुरू होता है और ये कुछ इस तरीके से है, ये बीच में ये पूरा रिंग है, देखें आप। पुरानी लाइट कम है या, बट ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक स्लो मो एक क्लिप डाल के आप लोगों के लिए बनाऊँ। और जो ये खंडहर के रूप में बना, ये 1932 का भूकंप इसको तोड़ चुका है पूरा। मगर कलाकृति की बात करें, जहाँ तक देखें, और आप कमेंट करके बताइए क्या खूबसूरत नज़ारा है ये, और जब ये बना रहा होगा, पर अफसोस कि इतनी सुंदर कलाकृति खंडहर में तब्दील हो चुकी है। खंडहर के सिवा कुछ नहीं है, लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं, और जो कितना कूड़ा है आप देख ही सकते हैं। संजय जी कुछ बताइए यहाँ के बारे में आपको तो पता होगा ना, यहाँ पे आपका तो कॉलेज है। मेरा तो कॉलेज है। तो कितनी बार आए हैं आप अपने कॉलेज? हम 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वाह। तो बिहार में खास करके बहुत सारे कॉलेजों का हाल ये है कि स्टूडेंट्स कॉलेज बस एग्ज़ाम देने आते हैं, क्लास से कोई मतलब नहीं होता। पर कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये जो प्रांगण है, ये मंदिर का प्रांगण है, तो आइए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। काफ़ी पुराना है और यहाँ की भी कलाकृति जो है वो काफ़ी अद्भुत है। अंदर से लाइट कम है, तो जहाँ तक हो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियो बन जाए, रात तक यहाँ की जो सुंदरता है वो पहुँच पाए।
शुक्र व मंगल दर्शन तो बहुत बेर के नहीं छलिए आप लोग में देखे न आज हमारे ऊपर है आधा अंग महादेव आधा पार्वती गिरजा माता हाँ बहुत महाराज अपने बहन रामेश्वर सिंह बड़का राजा कामेश्वर सिंह महाराज के पिताजी बनने थे जय मैं मंदिर के बना सके मूर्ति के अपना गिरजा मंदिर पर तो इसको भी अपना हम की नहीं चलियो एते अहाँ किया हमरा एक सा दिन भेट तो यहाँ के एक पंडित जी हैं जिनको बहुत अच्छे से इसके इतिहास के बारे में पता है, इस मंदिर के बारे में पता है और ये जो पूरा प्रांगण है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो कोशिश करता हूँ, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो कुछ इसके बारे में बताएं और हम लोगों को, आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, जो ये एक महाराज का प्रांगण है, दरभंगा महाराज का नौलखा पैलेस, इसके बारे में आप लोगों के पास जानकारी पहुंचे। बाबा कनियाओं ने तो के बारे में कनी कनी एक्सप्लेन कर दिया इतिहास या के कत्ते अथी में भेले केना भेले। ये रामेश्वर सिंह महाराज स्थापना किए हुए हैं, कामेश्वर सिंह के पिता थे और यहीं पर वो रहते थे, राजनगर उन्हीं का बनाया, उन्हीं के नाम से राजा का नगर राजनगर। तो ये जो पार्ट है जो कॉलेज को मिला है ये वो हेड ऑफिस था पहले महाराज उसमें मैनेजर और स्टाफ सब रहते थे, पूरा तहसील होता था, मलगुजारी वहाँ पर जमा होता था और इसी में खजाना भी था महाराज साहब का खजाना है? जो जितना वो मतलब कृषि कर से जो हाँ जो वो सब सब यहीं पर रहता था जी। और वो धर्मिष्ठ व्यक्ति थे जी। और ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर का प्रांगण है, तो इस मंदिर के बारे में बताएं, इसमें मूर्ति की स्थापना हाँ महाराज किए हुए हैं और यहाँ पे रामेश्वर सिंह जी अर्धनारेश्वर गिरिजा माता का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, उसी में विष्णु भगवान का है, लक्ष्मी नारायण का, ये एक मंदिर है और एक और सामने भी मैंने देखा महादेव का मंदिर है। एक ही मंदिर नहीं है, यहाँ पर काली मंदिर है भीतर में जी, दुर्गा मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, महावीर जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं और वे महापुरुष सब मंदिर का स्थापना हुई। तो ये जो पैलेस जो था वो पीछे जो था वो उसमें नौ महल कहते हैं, नौ महल था हाँ, नौ महल था, नौ लखा था। वो भूकंप जो हुआ 34 वाला बड़ा भूकंप 32 या 34 34 में वो 1934 का है, मैं 32 बोल रहा था नहीं 34 1934 का है, तो वो सबसे बड़ा भूकंप था जिसमें ये तबाह हो गया। हाँ टूट गया, दो चार महल था, हम लोग बच्चे थे तो जाते थे ऊपर घूमने फिरने के लिए। तो कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, मैंने अखबार में यूट्यूब में जहाँ भी देखा न्यूज़ वगैरह में कहते हैं कि ये बिहार सरकार अपने मतलब पर्यटक लोगों के लिए इसलिए अपने अंदर में नहीं लेती क्योंकि ये ट्रस्ट का ज़मीन है। हाँ। महाराज का ज़मीन अभी भी है। हाँ। और उन्होंने बिहार सरकार को अभी हैंड ओवर नहीं किया इसीलिए इसका वो नहीं हो रहा है। हाँ जी अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत वीरान है ऐसे ही छोड़ दिया है, बहुत बुरा नहीं। महाराज साहब आते हैं, महाराज साहब का देख रेख में अभी चल रहा है और वो बोले हैं, हम इसके विषय में सोच रहे हैं जी। यहाँ का सपोर्ट मिलेगा जनता का तो हम इसको पूरा फिर सब ठीक करेंगे जी। कपिलेश्वर सिंह महाराज अभी है उन्हीं का अंदर में सब तो ये वो आते रहते हैं। हाँ तो उनकी ज़मीन है क्योंकि यहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे स्थानीय लोग भी बताते हैं कि भूकंप के बाद 1934 में जो भूकंप आया
उसके बाद जो स्थिति ख़राब हुई तो फिर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन पे कोई ध्यान नहीं दे पाया जी। और वो टूटता गया के ले गए बहुत कुछ हुआ। हाँ, सब चौकट केवारी खिड़की जितना जो है बहुत। और अभी भी जो इस तरह का नक्काशी है, आप लाल किले में अगर जाएँ, आगरा के किले में जाएँ, तो मतलब कुछ उसी तरह का, मगर अभी भी ये जो कलर है वो आप अगर देखें, जो मेरे ख्याल से ये कलर जो है बाबा उसी टाइम का, उसी टाइम का, कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ अभी तक, अभी तक कुछ ऐसा बना हुआ। और मंदिर वगैरह में जो ये देख रेख होता है तो इसका कौन देख रेख करते हैं? देख रेख हम लोग रहते हैं, दिन भर देख रेख करते हैं, यही है, और है सिपाही लोग भी है जी। और ये SSP कैंप जो बाबा बना हुआ है जी, तो SSP कैंप महाराज के जमीन में उन्होंने, हाँ, वो लीज पर दिए हुए हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद यहाँ से वो। एक बार और एक बात और पूछना चाहता हूँ बाबा। अच्छा, आपका नाम बाबा बताया नहीं आपने? गिरीश झा, हमारा गिरीश झा। तो बाबा ये बताइए कि ये जो महल था, ये महाराज कहते हैं, मैंने सुना है बचपन से सुना है कि ये महारानी के लिए बनाया गया था। ये महारानी, ये गिरिजा मंदिर जब महाराज 5-7 मंदिर बनवाए जी, तो महारानी बोले कि हम भी एक मंदिर बनाएंगे जी, तो महारानी की इच्छा से यहाँ बनाया। तो और कहा जाता है एक रहस्य की बात है कि दरभंगा से एक सुरंग का रास्ता यहाँ तक आता। हाँ, हाँ, क्या ये सही है? सही है, सही है वो बात। महाराज पहले राजा लोगों को सुरंग का रास्ता तो रहता ही था सब। कुछ ऐसे ही सुरंग की घटनाएं दिल्ली के लाल किलों के बारे में बताई जाती है, जो दिल्ली से आगरा तक के रास्ते में वो बनाया गया है। तो बाबा आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपको, एक बात और आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये मंदिर है, एक मंदिर ये है, एक वह मंदिर वो है, और एक मंदिर पीछे भी है। एक मंदिर नहीं, 4-5 मंदिर पीछे में है, आगे 5 मंदिर है। हाँ, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, कामाख्या मंदिर, महावीर जी का मंदिर जी। तो बाबा अभी जा रहे हैं, तो जो भी है जानकारी जो भी इन्होंने दी, जो मुझे भी पता था, फैक्ट एक ये था कि 1934 के भूकंप में ये ध्वस्त हुआ था, और जहाँ तक अभी भी आप देखें कि एक खूबसूरत कलाकृति जो एक महारानी द्वारा बनाया गया था। और बहुत ख़ास इसमें ये है कि ये जो पिलर जो आगे है वो हाथी के ऊपर बनाया गया था, बहुत अद्भुत कलाकृति है। और ये कोई वैसी नहीं है कि बिहार सरकार अपने अंदर में लेना नहीं चाहती, ये बात यह है कि ये ट्रस्ट की ज़मीन है, अभी भी महाराज के अंदर वो ज़मीन है। अगर वो स्वीकृति दे के और वो बिहार सरकार को देते हैं तो बिहार सरकार ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ करेगी, और आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा, जैसे कि बिहार में बहुत सारी जगह है, तो ये भी एक पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन पाएगा, और बिल्कुल बनना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो कलाकृति है, कंस्ट्रक्शन है, मंदिर है, टेम्पल्स हैं, वो काफ़ी खूबसूरत है। और आप कभी भी अगर दरभंगा मधुबनी आना हो तो राजनगर जरूर आइए, यहाँ पे घूमिए, मंदिरों में दर्शन कीजिए, और एक महल महल के अद्भुत कलाकृति का दर्शन किए जी। तो बाबा यह छे कि मंदिर तो बहुत छे आता, तो अपने अपने सब तो बचपन से देखने छे, तो अगर आए वाला दिन में कुछ न कुछ हेते, ये विश्वास एकदम विश्वास, मैया के कृपा हेतन तो जरूर हेतु। नरेंद्र मोदी सन प्रधानमंत्री, हुनकर नजर पड़ि जतन तो चमकी जी, बिल्कुल बात चाहिए। बिहार सरकार जो है तो इस पर, और ये सब जो टंगा हुआ है बाबा, ये सब क्या है? लाइट इसमें? था सब में लाइट लगा हुआ, 10-20 था जी, जितना करी देखते हैं सब तो ले गया चोर सब, 300 बचा। तो इसमें लाइट जो था ये इलेक्ट्रिक वाला लाइट था या मतलब उसमें ना अपना पावर हाउस था महाराज साहब का पीछे में, अपन बिजली उत्पादन होता था पूरा 50 एकड़ में उनका ये वास है। और इसमें जितना मंदिर था, जितना मकान था, सब में लाइट था, अपना व्यवस्था था इनका जी। बहुत बढ़िया बाबा, ये मंदिर ऊपर एक फ्लोर और है, ऊपर नीचा में एक फ्लोर है, नीचे वो रास्ता बंद है, और ऊपर में छत है, छत है जाने। तो नीचे ये फ्लोर क्यों दिया गया था? महारानी अपना भीतर से आते थे, डूढ़ी से आए, ऊपर हुए, यहाँ पूजा किए, तो उसका कहाँ निकलने का कुछ की था? वो आगे है, आगे वो बना हुआ है। तो देखिए कितनी अद्भुत कलाकृति है, उनको बता रहे हैं। हाँ, एक महल नीचे है, एक महल बड़ा, हाँ ये है, जितना है उतना नीचे है, ये जितना कंस्ट्रक्शन ये है, सेम नीचे भी कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो और वो ये देखिए, एक बहुत अद्भुत बात पता चली आज मुझे,
कि महारानी अंदर ही अंदर आके, और वो गेट कहाँ से था बाबा? ये यही है, ये जो गेट बना हुआ है यहाँ से, तो यहीं से गेट बन के सीढ़ी लगा होता था और डायरेक्ट अंडरग्राउंड ही अपना गांव ही तक था इनका, महारानी का महारानी तो पूजा करते राजा महाराजाओं के, राजा महाराजा वाले, अरे जो दरभंगा राजा, वो कहते हैं कि उनका महाराजा इनका जोड़ा नहीं था और उस टाइम में कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब बहुत मुझे लग रहा है ये पहले महाराज थे जिन्होंने बिहार में बहुत पुराने, उनके पास एरो अपना पर्सनल एरोप्लेन था जो उन्होंने इंग्लैंड से मंगवाया हुआ था और दरभंगा एयरपोर्ट जो बना हुआ है सब उन्हीं का है, उन्हीं का था, मतलब उनके प्लेन यहाँ रेलवे भी लाए हुए हैं वही दरभंगा से, इधर जो रेल लाइन बिछा महाराज का खर्चा से और अपना गाड़ी उनका सब। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीनी मिल थे जिसमें सकरी, रैयाम, लोहट चीनी मिल, तो एक टाइम में ईख की खेती बहुत होती थी और ईख से पहले नील की खेती होती थी जी, जो अंग्रेज महाराज सब तरह का काम विकास भी करते थे और सबको सुविधा भी देते थे जी। और एक जो राजा का होना चाहिए वो राजा थी जी। तब तो देश जब स्वतंत्र हुआ ना, नेहरू जी सब राजा को तोड़ दिए जी, प्रधानमंत्री जब हुए इन्हीं लोगों के सहयोग से वो लड़ाई लड़े, माने अंग्रेज को भगाए और इन्हीं लोगों पर फिर प्रहार कर दिए। वो था उनको उनकी प्रॉपर्टी सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया और उनकी प्रॉपर्टी को वो कर दिया गया। बहरहाल आप इस कलाकृति को देखें जो अभी जन एकाध पंथ के साथ यहाँ पर प्रज्वलित है और जो कलाकृति आपको जयपुर, दिल्ली, आगरा जो मुगलों ने बनवाया है उससे मैं कहता हूँ कि काफ़ी खूबसूरत है। जो नक्काशियाँ हैं यहाँ पे वो काफ़ी अद्भुत हैं, मगर अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा देखरेख नहीं है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि सेम जो महल है वो इसके अंदर भी वैसा ही सेम है। तो आपको जो इसके अलावा जो और कुछ मंदिर है मैं आपको घुमाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। और हम भी आशा करते हैं और जो यहाँ के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और जो लोकल लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये भी एक आने वाले दिनों में पर्यटक के लिए खोला जाए, पर्यटनों के लिए खोला जाए और दूर दूर से लोग सैलानी आए और यहाँ पर इसके बारे में जाने, यहाँ के इतिहास को जाने। तो ये भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है।